Assalamualaikum and welcome to Healthy Cooking. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे और आपको हमारे दिए गए डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बिल्कुल टाइम पे मौसूल हो रहे होंगे और जिनको नहीं हो रहे उनसे मैं माज़रत चाहूँगी। बहुत दफ़ा ये हो रहा है कि हमें थोड़ी सी एड्रेसेस की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन पेश आ रहा है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगी। लेकिन उसमें यह है कि हमने जो एड्रेसेस थोड़े से गलत थे वो हमने आपको दोबारा आपसे राबता करके नए एड्रेसेस ले लिए हैं और जिनको थोड़ा सा डिले का इंतज़ार करना पड़ा है उस इंशाल्लाह अब वो इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आपको जल्द ही जल्द आपको डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बिल्कुल मिलने वाले हैं। कई दफ़ा नाज़रीन ये बहुत होता है कि कई दफ़ा पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस नहीं होता तो वो ख़त हमें जो हम भेजते हैं आपको वो वापस आ जाता है, तो इसी दौरान वो थोड़ा सा वक्त 8 से 10 दिन से कुछ हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता ज़्यादा हो जाता है, बट हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइम पे चीज़ बिल्कुल जब भी आप रिक्वेस्ट दें उसके फ़ौरन 8 से 10 दिन बाद, हमारा टाइम लिमिट है कि आपको इस दौरान इसके बिल्कुल बीच में 8 से 10 दिन के दौरान आपको डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम दोनों मौसूल हो जाएं, ताकि आप जल्द से जल्द इस बहुत अहम डाइट पे काम करना शुरू कर दें और इसके खूबसूरत रिजल्ट्स आपके सामने जल्दी जल्दी आएँ और आप इसको देख के खूब खुश भी हों और इंशाल्लाह आगे जो आपका टारगेट है वज़न कम करने का, जितना भी वज़न है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा वज़न होगा उसमें आप फिक्र नहीं कीजिएगा, आपको पता है कि मैं आपके साथ हूँ, वज़न आपका गिरेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल गिरेगा, हेल्दी तरीके से गिरेगा, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बग़ैर किसी और डिफिशेंसीज़ के, और उसी तरह आप आगे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी जाएंगी, जो कि हम आपको डाइट कंप्लीट करने के बाद हम आपको देंगे और वो बेसिकली वो आसान मरहला है, क्योंकि जो असल मेन चीज़ है वो तो आपने कर दी होगी जो कि है वज़न गिराना, और वज़न गिराने में आपको पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डाइट को अच्छी तरह फॉलो नहीं करेंगे ना और उसमें ज़रा सा थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें ऐड कर लें या कुछ खा लिया तो फिर वो उतनी ही इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी जितनी उसको होना चाहिए। तो डाइट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए प्लीज़ ये याद रखिए कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी डाइट प्लान जो हम आपके लिए तैयार करके आपको आपकी उम्र और आपकी हाइट की बुनियाद पे हम आपको जो भेजते हैं बहुत स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान्स जो कहीं नहीं दिए जा रहे और जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते आपको। अच्छा, उसके साथ आपको पेट की एक्सरसाइज, जो स्पॉट एक्सरसाइज, जो चर्बी सारी पेट के इर्द गिर्द जो जमा हो जाती है उसको बिल्कुल फ्लैट आयरन प्लेट की तरह करने के लिए हम एक बहुत ज़बरदस्त और एक ख़ास एक्सरसाइज आपको देते हैं, जिससे अब आप तो काफ़ी वाकिफ़ हो चुके होंगे, बहुत दफ़ा आपको दिखाई भी है हमने टीवी पे कैमरा पे, ताकि आपको वो एग्जैक्ट पोजीशंस पता चल सकें और उसके नीचे उसकी सारी डिस्क्रिप्शन बहुत आसान आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मौजूद है ताकि आपको फॉलो करने में कोई तकलीफ़ ना हो। और उसके साथ नाज़रीन हम 35 से 40 मिनट बहुत रेकमेंड करते हैं कि आप वॉक कीजिए, ताकि अगर आपका जब तक मेटाबॉलिज्म तेज़ तेज़ काम नहीं करेगा और आपका हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं तो वो कैलरीज़ कैसे बर्न होंगी। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है और मुझे यकीन है कि आप सब इसको फॉलो करेंगे और आप कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आप हासिल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी भी होती है ये सुन के और ये अनाउंस करते हुए कि हमारे ये डाइट प्लान्स अल्लाह के शुक्र से पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो रहे हैं और इनसे बहुत मशहूरी के अलावा ये बहुत फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को पहुंचा रहे हैं, जो कि हमारे इस शो का ख़ास मकसद है कि आप हेल्दी तरीके से वज़न क्यों ना गिराएं, ताकि आप उसको आगे बरकरार रख सकें, क्योंकि ये जो क्लिनिक्स और ये स्लिमिंग क्लिनिक्स बहुत सारे हमने रिसर्च करने, जब इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई थी कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में जो स्लिमिंग क्लिनिक्स और ये सब जो खुल गई हैं और लोगों को सिर्फ ये पैसे बनाने का ये तरीका है, तो क्यों ना हमारे इन सब हमारी बहनों और भाइयों को इस मुश्किल से बचाया जाए।
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट और हेल्दी हेल्थ सारे एस्पेक्ट्स को नज़र में रखते हुए ये जो डाइट प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं ये आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कोई हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि ये हेल्दी हैं, इनसे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, कोई ऑर्गन फेलियर्स नहीं होंगे, कोई कोई फटीग, कोई डिस्ट्रेस इन डाइट प्लान से नहीं होता। और अमूमन ये होता है कि ये जो बाहर की स्लिमिंग क्लिनिक्स और ये जो पुड़ियाँ और पाउडर और ये सब दिए जाते हैं वज़न करने के लिए, और हर इंसान जो है वो इन बातों से के बीच में इंसान सोचने लगता है कि शायद हमें ये पुड़िया खाने से हमारा वज़न गिर जाए। ये और आपको पता है जो बेचने वाले हैं ना वो ही आपको ऐसा कन्विंस कर देते हैं कि जी आप ये ख़रीद लें इतने पैसों का और ये पुड़िया खा लें तो ये सब हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो फिर सभी क्यों ना कर रहे होते। आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है और कितना ही इसमें आपके ऑर्गन्स जो हैं आपके वाइटल ऑर्गन्स का बिल्कुल काम करना वो छोड़ देते हैं इन डाइट प्लान से, क्योंकि उनमें एसिड होता है और वो जाके इन चीज़ों को हमेशा के लिए डैमेज कर देते हैं, आपको पता है। और ये क्योंकि हमारा ताल्लुक बहुत कराची के बड़े अस्पताल के साथ है तो हमें ये जो ख़वातीन जब आती हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता चलती है तो फिर उसमें से हमें ये पता चलता है कि जी उन्होंने 70% जो ख़वातीन जो आ रही हैं उन्होंने ये डाइट्स पानी और पुड़िए और ये सब चीज़ें का इस्तेमाल किया जिससे उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे इसी वजह हमने सोचा कि क्यों ना हेल्दी कुकिंग जो है हेल्दी डाइट प्लान्स आप सबको दे ताकि आपकी हेल्थ बिल्कुल रहे फिट। अच्छा जी साथ हम लेंगे एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? जी मैं शायस्ता बात कर रही हूँ, आमना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शायस्ता, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ और एक महीना तकरीबन हो गया मुझे आपका डाइट प्लान पे अमल करते हुए। अच्छा माशाल्लाह, कैसा जा रहा है? जी तकरीबन 4 kg तो मेरा वेट हो गया। वेरी गुड शायस्ता, मुबारक हो बहुत 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 ज्यादा। खैर मुबारक। अच्छा तो बस मैंने ये पूछना था आपसे, कुछ फ्रूट्स के बारे में मैंने पूछना था। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोले। जी जी अब तो ग्रेप फ्रूट नहीं है आमना। अच्छा ग्रेप फ्रूट खत्म हो गया होगा ना? जी, लेकिन अब ये आलू बुखारे हैं या आड़ू हैं ये मैं खा सकती हूं? आड़ू, आलू बुखारे, गरमा तरबूज, तरबूज इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? समर फ्रूट तो जबरदस्त होता है और इतनी ज्यादा वैरायटी भी होती है, खुमानी, आजकल तो खुमानी भी है। अच्छा चले मुझे तरबूज का थोड़ा सा बता देंगे कितनी क्वांटिटी में? अच्छा तरबूज का ये है एक बहुत जरूरी बात, इनफैक्ट आपके आपकी कॉल की वजह से सारे व्यूअर्स को भी मैं बता पाऊंगी, तरबूज जो है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और जब वो खराब हो जाता है ना शायस्ता तो उससे फिर पेट की बहुत तकालीफ शुरू हो जाती है। ठीक है नहीं तो, मैं तो फ्रेश लूंगी। आप फ्रेश लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा अगर उसका आपने जूस निकाला है और जूस पीने का दिल करता है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मियों में ठंडा ठंडा तरबूज का जूस भी सर्व किया जाता है। आप ये बस याद रखिएगा कि तरबूज का जूस जैसे ही आप निकालें उसी वक्त पिए क्योंकि अगर ज्यादा देर आपने रखा तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन अच्छा। खाने के हवाले से ज्यादा 2 दिन से ज्यादा उसको फ्रिज में मत रखिए क्योंकि गर्मी बहुत है ना और वो गर्मी से चीजें और भी ज्यादा जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ताज़ा ताज़ा उसी वक्त खाइए, जिस वक्त लाएं उसको ठंडा करें और फिर उसके बाद उसको एंजॉय करें, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मत रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी तरबूज क्योंकि उसमें वाटरी कंटेंट बहुत होता है तो वो खराब होने का डर होता है। ठीक है ठीक है। और ये कि हम ना मुझे पसीना बहुत ज्यादा आता है, मैं एक्सरसाइज करती हूं जब और वैसे भी मुझे बहुत पसीना आता है। ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि ये सिकंजीन वगैरह मैं ले सकती हूँ बट चीनी नहीं आप ले सकती ना, वो सारी डाइट खराब हो जाएगी अगर चीनी आपने ले ली। अच्छा। उसमें कोशिश करें कि बिल्कुल चुटकी भर अगर शहद डाल लें वो हो अच्छा। जाएगा। जी जी ठीक है शहद चुटकी भर में मतलब ये है ना कि अगर मैं आपको कह दूं कि स्कंजबीन में तो जब तक चीनी अच्छी खासी ना जाए तो वो मजा नहीं आता और वो खट्टी स्कंजबीन का तो वैसे भी मजा नहीं आता है ना। जी, तो जी, बात जी। असल में ये है कि अभी तो हम आपको एक टारगेट की तरफ लेके जा रहे हैं, आपने वजन गिराना है तो उस दौरान ये सब चीजें थोड़ी सी इस पे जरा सा रोकना होगा। ठीक है ना शायस्ता? ठीक है थैंक यू। ये कि मुझे काफी फर्क पड़ा है ना। आई एम वेरी हैप्पी जी, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के ये, और हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरह आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। और ये कि मैं चाह रही थी कि आप जा रही हैं तो एक दफा मेरी आपसे बात हो जाए। जी जी मैं इंशाल्लाह 29 तारीख को वापस आ जाऊंगी, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू जी वेरी मच फॉर कॉलिंग, और बहुत खुशी हुई ये सुन के कि हमारी सब ख़वातीन, हमारी सब बहनें जो इस डाइट प्लान पे काम कर रही हैं और इसको इस्तेमाल कर रही हैं बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है। अभी जैसे कि आपने सुना शायस्ता का इस्लामाबाद से फ़ोन आया
और उनका बहुत इफ़ेक्टिवली वज़न गिरा है। नाजीन यही कॉम्बिनेशन को जारी रखिए और डाइट से थोड़ा सा भी डिविएट मत होइएगा। डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये होता है कि अगर आप इतनी स्ट्रिक्टली डाइट को नहीं जब फॉलो करते तो फिर वज़न भी जो है वो आराम से अपनी मर्ज़ी से गिरता है। लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वज़न एक स्ट्रक्चर्ड तहत के ज़रिए गिरे नीचे, तो उसी हवाले से हमेशा आपको ये भी कहती हूँ कि डाइट्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी आपको थोड़े से स्टेप्स लेने हैं। और वो क्या स्टेप्स हैं? डाइट को बिल्कुल फोकस्ड और उस पर अमल किया जाए फोकस तरीके से, और उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज जो हम भेज रहे हैं पेट की वो आपने इस्तेमाल करनी है, उसको रोज़ आपने उसके स्टेप्स फॉलो करने हैं, और साथ आपने 35 से 40 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। क्योंकि आपका जब तक हार्ट रेट नहीं तेज़ होगा, कैलरीज नहीं बर्न होंगी, तो वो सारा जो हमारा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं आएगा, और वो पूरा तीनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको सेट इन करना है, तभी इफ़ेक्टिव वेट लॉस की तरफ हम जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आप सब बहुत मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह इसी तरह सबके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होंगे, और अब हम सब सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलेंगे जो कि है कैलरी मैनेजमेंट। नाज़रीन वो सबसे वो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल स्टेप है, वो बहुत ज़्यादा आसान स्टेप है, आपके लिए फॉलो करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने मेन जो उसका जो असल काम था और जो असल मेहनत थी वो तो आपने कर ली। अब आपका वक्त है इन्जॉय करने का, और जो खाना आप खा रहे हैं उसको सिर्फ मॉनिटर करना है कि ये चीज़ आज मैंने खाई है इसमें इतनी कैलरीज हैं, ताकि आप अपने आप को आप बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर्स के तहत आप फॉलो कर सकते हैं कि आपने आज दिन में कितनी कैलरीज खाई हैं। ठीक है, इतनी ही खानी है, इससे अगर ज़्यादा खा ली तो वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस दायरे में रहना बहुत आसान भी होता है, क्योंकि आपको एक पता होता है, आपके इन द बैक ऑफ योर माइंड गाइडलाइन होती है कि इतना मैंने खाना है और इतना कंट्रोल करना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज तो आपने अब छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा डाइट की वजह से जब आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आप उसको भी आगे बरकरार रखिएगा। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज और पेट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब डाइट प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और जब आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं, जो हम आपको बताएंगे कि उसको भी कैसे आपने मैनेज करना है, उसमें पेट की एक्सरसाइज और वॉक ये दोनों चीज़ें आपने साथ जारी रखनी है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो आदी हो चुका है ऑलरेडी डाइट और पेट की एक्सरसाइज से, और जब आप छोड़ेंगे आपको खुद अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा कि मेरे में जान नहीं है, एनर्जी नहीं है, बट जैसे ही आप गई वॉक पे आप देखें सारी एनर्जी सारी जान वापस आ जाएगी, और आपका दिल करेगा, आपके मूड पे भी बहुत इसमें इस पर असर होता है। और आज इनफैक्ट जैसे कि मैं मूड से मुझे याद आया कि आज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, जैसे कि आप जानते हैं बुध का रोज़ है और बुध के दिन हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं जो डिस्कस करती हैं सारे एस्पेक्ट्स आपकी हेल्थ के। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्यों होता है और इसके क्या वजूहात हैं। आजकल वैसे ही हमारी पेस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और फिर स्ट्रेस हम लोग करते हैं, और जब स्ट्रेस करते हैं तो उससे इंसान लो महसूस करता है। क्यों करता है, इसके क्या वजूहात हैं, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों को, इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये तो सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और नाज़रीन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको गाइड करें और इसमें बताएं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आसान भी है और इसको थोड़ा मैनेज भी करना होता है। तो ये सब कुछ ब्रेक के बाद नाज़रीन, आपके डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी आपको इसी तरह मिलते रहेंगे और आपसे बात भी चलती रहेगी, तो कहीं मत जाएगा। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक।